गाइस अभी वो जो बालक है उसका नाम नहीं पता लग पाया है। हुआ ये था कि हम लोग, मैं शूटिंग कर रहा था, अखाड़े वगैरह की परफॉर्मेंस चल रही थी, उस बीच एक को पता नहीं थोड़ा सा बेहोशी का दौर आ गया था और उसको कुछ लोग मिर्गी का भी नाम दे रहे हैं। और थोड़ी सी पंपिंग करी थी मैंने जस्ट अब प्राइमरी एड, मुझे ऐसा लगा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि अटैक टाइप आ जाता है, ब्लॉकेज हो जाते, तो हमने वो सब करी और हमारे साथ हमारा दोस्त मुझे हटा दिया। ये दिखे नहीं थे भाई साहब, नहीं तो काफ़ी काम में आ जाते थे, बाद में आए थे एकदम लास्ट में। और अब यहाँ से मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए, एक बहुत बड़ा कलंक लग जाता था यहाँ पर शोभा यात्रा में, बट भगवान जी की कृपा रही कि सब कुछ एकदम नॉर्मल हो रहा। और बाकी फिर हम लोग देखते हैं, इधर जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं एक एक बार हम लोग भी प्रदर्शन कर सकते हैं, लेट्स सी। बाकी इसके बाद एकदम नॉर्मल होना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको भीड़ के बीच में लेकर चलता हूँ और दिखाते हैं हम आपको इधर की भी एक बार व्यवस्था। मैं अभी फ्रंट कैमरे से हूँ। गाइस लाइव केस आपको दिखा दूँ, एक महिला कांस्टेबल हमारे को दिखाई दे जा रही है और कुछ परेशानी भी चल रही है। कोई परेशानी है आपको? इसको कोई परेशानी नहीं है गाइस, हम बेवजह इनको तूल दे रहे थे। अब हम लोग चलते हैं संदीप, अब हम लोग निकलते हैं यार, ये तो भग रहे हैं बच्चे, खेलना नहीं चाह रहे। ठीक है तो अब हम लोग चलते हैं, मिलते हैं फिर। हाँ तो गाइस अभी हम लोग यहाँ बजरंग दल चौक पर है और आपको एक जो राम जी ने सेतु बनाया था उसका एक बहुत मतलब विस्मरणीय चित्र दिख जाएगा जो झांकी है, और हम लोग देखते हुए चलते हैं। और इधर देख लीजिए आप, राम मंदिर वगैरह भी दिख रहे हैं। और यहीं से मैं आपको लेकर के चलता हूँ गाइस थोड़ा सा और आगे, और ये देखिए अयोध्या में जो राम मंदिर वगैरह बनने वाला है उसकी एक छोटी सी झांकी है जो हमारे को यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। और एक बार मैं आपको अंदर से भी दर्शन करवा देता हूँ, बाकी फिर हम लोग देखते हैं। परिक्रमा तो हमारा भी लग गया है, मतलब हमने अयोध्या के मंदिर का और भगवान जी ने जो भी किया था उसका एक परिक्रमा तो लगा लिया है, बाकी फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक और जुलूस आ रहा है उसको भी हम लोग कवर करते हैं, बाकी फिर देखेंगे यहाँ से। और पहले काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ दिख रही थी, अभी तो भीड़ पूरी नज़ारा थी। और ठीक है हम लोग चलते हैं अब यहाँ से। गांधी चौक का तकरीबन 9:30 बजे का नज़ारा है, पहुँच बेटा। तो गाइस ये देख लीजिए आप गांधी चौक का नज़ारा, इधर से हम लोग आपको दिखा देते हैं। इधर भी आपको ATM सुमित भैया के ATM के नीचे बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे जाएंगे, बाकी तो मैं आपको कवर कर ही चुका हूँ, एक बार इधर से भी दिखा देता हूँ सारे लोगों को और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये जो है काफ़ी लेट निकल रही है आज की शोभा यात्रा जो भी है। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, है ना, और ठीक है बाकी? तो गए थे शेषु भैया हमारे, और सब ठीक है? काय की व्यवस्था है? शराब शरबत? तो गाइस शराब और शरबत एक ही हो जाता है। नमस्ते दादा जी, और पानी की भी बकायदा व्यवस्था आपको दिख जाएगी। और अभी तो काफ़ी लंबा टाइम है, बाकी तो आ रहे हैं बच्चे इधर से, फिर सीधे हम लोग देखेंगे। ये हमारे भाई अभी किस पद पर है आप? मुल्ताई के अध्यक्ष है ना? जिले के। हाँ जिले के, जिले के अध्यक्ष है गाइस, और पूरे जिले के बजरंग दल को देख रहे हैं अभी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारे तरफ। तो गाइस अभी धीरे धीरे जो है जुलूस का काफिला आगे बढ़ते हुए आ रहा है, हमने इनको इधर से देखे, और हमारा जो सूत्रधार एक बार फिर से आए। और आप ये जो गन चलाते हैं आपका नाम बताइए? भूपेश साहू। हाँ भूपेश साहू, गांधी चाचा के बेटे। ठीक है तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इन लोगों को आगे भेजते हैं और शबाब का मज़ा लेते हुए यहाँ के हमारे बड़ी संख्या में और जो लोग बैठे हुए मैं उनको भी दिखा देता हूँ, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। और पुलिस कांस्टेबल बहुत कम संख्या में मुझे नज़र आ रहे हैं, बाकी हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो भी रोकना वगैरह था। ठीक है, हमको हमारी गाड़ी गाइस थोड़ी सी इधर से रखनी पड़ेगी क्योंकि हमको कभी भी जाना पड़ सकता है, बाकी हम लोग देखते हैं फ्रंट कैमरे में। आप लोगों के जयेश, और आपका नाम? सौम्य। में इसके पहले भी आ चुके हैं आपका केशव। केशव पिछले ब्लॉग में बोलते हुए दिख रहे थे कि कैमरा बंद कर दो, देखे थे क्या ब्लॉग? नहीं देख पाए थे। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ। हाँ गाइस रोज देखते हैं वीडियो, पहले कम आए नहीं आए, ये हमारे चाचा वगैरह भी है शामी स्टोर के संचालक, और निर्मल मिश्रा जी यहीं उनकी दुकानें भी हैं। ठीक है चाचा जी, अब हम चलेंगे आगे, आपको इधर दिखाते हैं। नमस्कार, और ठीक है सब? हाँ भाई साहब,
और ठीक है, ये हमारे नीरज चंदेल जी। अब हम लोग चलते हैं आगे गाइस। बगवादारी हो गए हमारे चाचा जी और हम आ गए। थोड़ा सा जुलूस बहुत धीरे धीरे निकला था और अब हम आ गए यहाँ बीच में। देखते हैं और कितने लोग नए मिलते हैं। और ये हमारा गाइस गांधी चौक से एक कवरेज रहेगा, इसके बाद हम लोग इसको ऑफ कर देंगे यहाँ से और हम लोग चलेंगे वहाँ से। ठीक है, और इधर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हमको दिखाई दिख जाएंगे। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? ठीक है गाइस, तो हम यहीं खड़े रहकर एक बार ही देखते हैं। बाकी मैं एक बार ही फ्रंट कैमरे पे, गाइस बहुत देर बाद में फ्रंट कैमरे पे आ रहा हूँ। फिलहाल हम लोग गांधी चौक में यहाँ पर है एकदम। ये पहले इसको राजू चौक बोला जाता था, यहाँ चार के पांच राजू होते थे, तो ये राजू चौक पर मैं खड़ा हूँ जहाँ पर इधर से मतलब लगभग पहले यहाँ पर गुजरी भरा करती थी। बाकी पीछे थे जनरेटर की व्यवस्था आपको बैंक कमरे में दिख जाएगी। और एक तरह से इधर से हम थोड़ा सा आगे की तरफ चल लेते शामू डोमने जी। कैसा क्या हाल है आज का माहौल, कैसा क्या है और गाइस हम आते हमारे चारवे जी के। आपका जन्मदिन था कब था? वो रिलेटेड हैप्पी बर्थडे हमारे चैनल की तरफ से। हमारे सौरभ भाई अभी किस पद पर हैं आप? नगर महामंत्री। नगर महामंत्री, और हम इनको शुभकामना देते हैं, अपनी पार्टी का परचम लहराते रहे और अग्रणी रहे हमेशा। और हमारे मंडल अध्यक्ष साहू जी, क्या नाम है आपका? गणेश साहू जी। हमारे दर्शकों को शुभकामना करो, क्षेत्रवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। आपका ऐसे जोश बना रहे। और हमारे लोकेश गीतकर जी हमेशा मिल जाते हैं, धार्मिक कार्य में आगे रहते हैं। ठीक है गाइस, बाकी तो गाइस हम लोग देखते हैं। और नन्ही बालिका भी मुझे दिखाई दे रही है और हम इसका जरूर लेंगे। ये बेटी किसकी है? बेटा बेटी? अरे बाप रे। भाई साहब नाम बताइए हमारे दर्शकों का आपका। ये हमारे दादाजी के सुपुत्र है और बेटा है बेटी है? बेटी। नाम? लड्डू। लड्डू लड्डू लड्डू। तो गाइस लड्डू हमारे आज की आकर्षण का केंद्र है। हमारे दादाजी के सुपुत्र है पूनम साहू जी और उनकी सुपुत्री है लड्डू। तो ठीक है गाइस, ये अभी हनुमान जी का वेश धारण किया। हेलो हेलो। ठीक है गाइस, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे आगे, सबसे मिलने जुलने हम। आप लोग देख लीजिए, अब हम लोग
चलते चलते बात करते हैं और इधर से भी देख के हमें लोगों मार को दिखाई दे जाएंगे इधर भी, और इधर भी आपको सारे सभी आदमी एक तरह से मोबाइल